नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मन की बात में। आपातकाल पर आज हम इस कार्यक्रम में जिक्र करने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस बुलेटिन का आगाज लेकिन हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और उसके बाद अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। जून में ही किया गया था आपातकाल लागू। पीएम मोदी ने कहा इमरजेंसी के जरिए लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया था। अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस पर भी नियंत्रण कर लिया गया था। अत्याचार के बाद भी लोग डिगे नहीं, पीएम मोदी ने कहा। सीएम मनोहर लाल ने भी इमरजेंसी पर तंज कसा था। जून 25 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मन की बात के 90वें संस्करण में। उन्होंने ये तमाम बातें कही। इसके साथ इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो आपातकाल का जिक्र उन्होंने किया और तमाम बातें वो करते नजर आए और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी के जरिए लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया था। अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, यहां तक कि प्रेस पर भी नियंत्रण कर लिया गया था। उस समय को, उस टाइम को कोई भूल नहीं सकता। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। हालांकि आज 26 तारीख है, लेकिन कल जिस तरह से इस दिन को याद किया गया था, इसको लेकर ट्वीट भी सामने आए थे। तो आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम था, तो आज के दिन उन्होंने इस दिन को याद किया और इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उन्होंने जमकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको एक बार फिर से हम सुना देते हैं। 1975 की बात है, जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की यह हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं। आज रविवार के दिन
सुबह 11 बजे जब पीएम मोदी अपनी मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने अपनी मन की बात करना शुरू किया तो कई उन्होंने मुद्दों का जिक्र किया, खेल जगत से जुड़ी बातों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा जिक्र उनका जिस बात को लेकर था वो था इमरजेंसी को लेकर। और उन्होंने कहा कि 1975 की इमरजेंसी को उन्होंने आज इसलिए याद किया है क्योंकि देश को भी उस आपातकाल के भयावह दौर को भूलना नहीं चाहिए, आगे आने वाली जनरेशन को भी उस दौर को याद रखना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जीवन जीने का अधिकार तक छीन लिया गया था, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, लेकिन लोगों ने साहस का परिचय दिया और उस दौर से भी जो भारत देश था वो निकल आया। और देखिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता केसी भाटिया जी और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुभाष सापरा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुभाष सापरा जी, मैं आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि आज मन की बात का कार्यक्रम था, रविवार का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह जनता को संबोधित किया, अपने मन की बातें कही, लेकिन आज जो विषय था वो काफी अलग था और जिस तरह से इमरजेंसी के दौर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, और खास बात ये रही या गौर करने वाली बात ये रही कि कांग्रेस पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। सापरा साहब, मन की बात नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जे इन्होंने 2014 में शुरू किया था जब ये सत्ता में आए थे, और बड़ी सुविधाजनक इन्होंने शुरू से टाइम फिक्स किया था, रविवार का दिन और 11 बजे। सबसे जब पहला एपिसोड था उन्होंने यही बोला था, आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, इस टाइम पर मन की बात। और इसमें सबसे बड़ी बात है, पहले से विचार भी लिए जाते हैं और आसपास, जैसे आज जो भी डेट है 26 जून, आसपास की जो घटनाएं हैं या अगले सप्ताह होने वाली है उस पर वो विशेषकर चर्चा करते हैं और सभी पहलुओं को टच करते हैं। आज जो विशेष जो पहलू है, 25 जून 1975 में एक बड़ा जन आंदोलन, मतलब उससे पहले 24 जून को रैली हुई थी और 25 जून 1975 को आदरणीय उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, तब इन्होंने आपातकाल जो है ना, इमरजेंसी की घोषणा की थी। और जो ये वास्तव में ही एक काला अध्याय था, इसमें कोई दो राय नहीं है हरियाणा की, हमारे जो इंडिया की राजनीति में। और उसका प्रभाव क्या रहा, तुरंत बाद जब उसका 1977 में इलेक्शन हुआ और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने और वो पहली गैर कांग्रेस सरकार थी हमारे इंडिया में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको बीजेपी पार्टी विशेष बड़ी पार्टी है, अब छोटे राजनीतिक दल तो उन्होंने जो स्थानीय जो स्टेट होते हैं उनको ज्यादा लेना देना उससे नहीं होता, क्योंकि बीजेपी के सभी नेता उस टाइम, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, उस टाइम तो चंद्रशेखर जी कार्यकारिणी के मेंबर थे कांग्रेस के, उनको भी जेल में, सबको जेल में डाल दिया गया। तो एक बड़ा ये काला अध्याय था। और इंदिरा गांधी जी ने यही है भाई, उस टाइम जो है वो इलेक्शन 1971 में कांग्रेस सरकार आई थी और ये इनका जो बाद में इलेक्शन भी रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और तब उस टाइम जो है ना जेपी आंदोलन चला था और उस टाइम ये इन्होंने ये लगाई थी जो है ना इमरजेंसी, और ये एक बहुत काला अध्याय हम भी मानते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है ना, चाहे वो प्रेस है या जितनी भी हमारे इंडिया की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बैन कर दिया गया, और उस टाइम किशोर कुमार जी हमारे गायक थे उन पे भी बैन लगा दिया गया था रेडियो में। आज आदरणीय मतलब हमारे मोदी साहब कह रहे इसमें कह रहे हैं, तो इसमें जो है जो हमारा जो आर्टिकल जो इसमें जो हमारा जो संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अधिकारों को भी छीन लिया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज ही जे पॉलिटिकल पर्सन मोदी साहब तो कोई भी पहलू को छोड़ते नहीं है कांग्रेस पे निशाना साधने के, क्योंकि बड़ी पार्टी कांग्रेस वर्सेस इंडिया हमारी जो बीजेपी है हरियाणा इंडिया में, तो इसलिए वो छोड़ते नहीं है जी, बिल्कुल ही जो हर पहलू को टेस्ट करते हैं। और ये 25 जून और 26 जून देयर इज नो डिफरेंस, तो आज उनको एक बहुत बड़ा मौका था और उन्होंने जो है ना अवसर जाने नहीं देते, बिल्कुल ही। भाटिया साहब,
सुना आज आपने कार्यक्रम को, मन की बात, जी प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी आपने, जी कैसी लगी आपको, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मन की बात 2014 से, अभी सापरे जैसे बता रहे थे, 2014 से मोदी जी हर संडे मन की बात करते हैं, ऑलमोस्ट हर संडे। तो मन की बात में खाली मोदी जी अपने मन की बात बताते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते। कभी कभी इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोगों करके कोई प्रेस वालों की बात सुनी हो, इक्का दुक्का इंस्टांस छोड़ के, कभी इन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में एड्रेस किया हो, हमेशा अपना गुणगान करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आज का तो जो आज का जो मन की बात थी, उसमें तो उन्होंने पूरे भारत को निराश किया है। आज मौका था, खुद वो कह रहे थे कि हम 75वां आजादी का वर्ष मना रहे हैं, आजादी वर्ष में बात करनी चाहिए थी किस तरह से हमें आजादी मिली, किन किन लोगों का उसमें योगदान था, कांग्रेस का उसमें क्यों क्या योगदान था, और इनके जो बीजेपी के जनसंघ के जो लीडर थे, आरएसएस के लीडर थे, उनका क्या योगदान था, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और इतने साल कांग्रेस का जो राज रहा है, ज्यादा पीरियड कांग्रेस का राज रहा है, तब ये 70 साल कांग्रेस के, जब कांग्रेस के में कोसते हैं कांग्रेस को, 70 साल में हम कांग्रेस ने ये कर दिया, 60 साल में ये कर दिया, ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस का जितना राज रहा है उसमें कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है। आज जो 75वां हम वर्ष मना रहे हैं आजादी का, उसमें देश की उपलब्धियों के बारे में बात करनी चाहिए। ये इमरजेंसी को लेकर बैठ के, आज से 45 साल पहले जो बात हुई थी उसको लेकर बैठ के, तो ये लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। एमरजेंसी के अंदर, एमरजेंसी के फीचर्स को अगर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी थी। इक्का दुक्का इंस्टांस जो थे कि प्रेस की आजादी को शोर मचाया गया, थी क्या उस टाइम रेडियो टीवी बंद हो गए थे, क्या उस टाइम अखबार बंद हो गए थे, क्या उस टाइम खबरें नहीं आती थी देश की विदेश की? तो ऐसे में खाली है कि पॉलिटिकल लोगों को, जो लोग बिना मतलब का बवाल मचाते थे, हुआ क्या इमरजेंसी में, कि इमरजेंसी के दौरान इन लोगों ने जितनी भी अपोजिशन पार्टियां थी, एक आंदोलन जब चला, आंदोलन के बाद उसका, जयप्रकाश जी के जो उन्होंने आंदोलन किया था, उसका इन लोगों ने झूठ बोल के, झूठा प्रचार करके नजायज फायदा उठाया, और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार का क्या हुआ आप सबको पता है, थंपिंग मेजोरिटी से इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आई, उसको इतना टॉर्चर किया गया, उसके बेटे को संजय गांधी को इतना टॉर्चर किया गया, गलियों में उनको जंजीरों से बांध कर गलियों में उनको घुमाया गया, और इस तरह से उनको जलील किया गया। इतनी इतनी बड़ी लीडर, वर्ल्ड लेवल की लीडर थी, उसको जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, लोगों ने उनको ये देखा कि लोगों से झूठ बोल के जनता पार्टी सरकार बनी थी, और उन और लोगों ने दोबारा इंदिरा गांधी को मौका दिया कि इंदिरा गांधी एमरजेंसी का बहाना लेकर मन की बात करने में, आज मोदी जी, सुनिए एक मिनट सुनिए, मोदी जी इस बात को एड्रेस नहीं करते कि आज देश के सामने समस्या क्या है या हमारी उपलब्धियां क्या है। खाली आधा घंटा लोगों को एमरजेंसी के बारे में, प्रेस का देख लीजिए, गोदी मीडिया कहां से, गोदी मीडिया ने कहां से जन्म लिया, आज पिछले कई सालों से गोदी मीडिया चल रही है। जिस दिन मोदी की सरकार बनी, सबसे पहला आदेश उन्होंने दिया था, किसी भी सरकारी के दफ्तर के अंदर से कोई आदमी दफ्तर की इंटरनल न्यूज नहीं, ठीक है सर, ठीक है, उन सड़ोगा वो न्यूज देगा, ठीक है भाटिया साहब। तो ये है आज गोदी मीडिया, एमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी तो आज है, ठीक है सर, ठीक है जी। चौहान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सर क्या कहेंगे? आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता को भी, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी तो असली आज है, उस समय की इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की बात कह के चले जाते हैं मोदी जी। देखिए, कांग्रेस कितना बड़ा झूठ का तंत्र चलाती है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित करती है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण कांग्रेस के ये प्रवक्ता है जो आज के चैनल पर, आज की डिबेट में जुड़े हुए हैं, आज की चर्चा में जुड़े हुए हैं। क्या देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कभी रस्सियों में, बेड़ियों में बांधकर गलियों में घुमाया गया? क्या कभी संजय गांधी, जो कि डिजर्व करते थे कि उनको बेड़ियों में बांधकर घुमाया जाता, कभी घुमाया गया? कभी नहीं, ऐसा कोई चित्र नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता कौन से भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, कौन सी काल्पनिक दुनिया की बात कर रहे हैं, और कितना बड़ा झूठ बोलने का दुस्साहस कर सकते हैं टेलीविजन पर आकर कांग्रेसी, उसका प्रमाण दे रहे हैं। इमरजेंसी क्या थी, प्रधानमंत्री ने बताया,
भारत के संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो भारत का संविधान बना, जिसके तहत हम और आप गवर्न होते हैं, जो हमको जीने का अधिकार देता है, जो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, संपत्ति की स्वतंत्रता देता है, जो हमको अपना जीवन अपने अंदाज में जीने का, गरिमापूर्ण जीने का हक देता है, उस संविधान को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खूंटी पर टांग दिया, सारे राइट सारे प्रोविजन उनको सस्पेंड कर दिया गया, सभी विरोधियों को रातों रात जेल में डाल दिया गया, सभी अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया गया, रात को ही बिजली काट दी गई और कोई नहीं छोड़ा जिसको जेल नहीं भेजा, अगर इनकी पार्टी का भी कोई व्यक्ति एक शब्द मुंह से बाहर निकालता था उसको जेल में ठूस दिया। इस इमरजेंसी को कांग्रेस के नेता इमरजेंसी नहीं मानते और आज जब ये टेलीविजन चैनल पर आपके और मेरे सामने आकर कोरा झूठ बोल रहे हैं, इसको ये इमरजेंसी करार दे रहे हैं, मतलब हद होती है दोगलेपन की, हद होती है झूठ बोलने की। आज आज आप मुझे ये बताइए सृष्टि जी, क्या किसी विरोधी को सरकार के खिलाफ बोलने से रोका जाता है? जिसको जो बोलना बोलिए, यहां तो कांग्रेसी सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहे, जिसके खिलाफ मन आता है, जो मन में आता है बोल जाते हैं। कल तो इनके एक प्रवक्ता ने आप ही के चैनल पर भद्दपन की और गिरावट की सारी सीमाएं पार कर दी जब उन्होंने कहा कि जो सेनापति यानी सेनाओं के अध्यक्ष और जो पूर्व सैनिक अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं उनकी पेंशन रोक देनी चाहिए। तो ऐसी भद्दी भद्दी और गिरी हुई बातें तो बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है सर, और उसको ये इमरजेंसी कह रहे हैं। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था मैं आपको फिर से याद कराता हूं, 25 जून की रात को 1975 में अचानक सब अखबारों की बिजली काट दी गई थी, कोई अखबार नहीं छपा देश में, आकाशवाणी पर किसी और को बोलने की कोई, ठीक है सर, और इसी पर सापरा साहब से मैं जवाब लेना चाह रही हूं। सापरा साहब, आपने देखा एक नई ही परिभाषा इमरजेंसी के दौर की रख दी कांग्रेस ने। भाटिया साहब से हमारा तो यही निवेदन है, जो इन्होंने ये जो शब्द यूज किए हैं माननीय तत्कालीन इंदिरा गांधी जी, जो भाई उनको बेड़ियों में बांध दिया गया, इस तरह से इस तरह का कुछ नहीं हुआ था जी, ये ठीक है। अब उस टाइम इमरजेंसी में बिल्कुल ये सही कह रहे हैं चौहान साहब, उस टाइम लाइट काट दी गई थी और बिल्कुल ही प्रेस की जो आजादी है या अदालती कार्रवाई, वहां भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे, एंड इट इज नॉट इजी टू स्पीक। अब आज ये तो आप देखो, आप सोशल मीडिया में कुछ भी डाल देते हैं, हाँ जी, टीवी पे। लेकिन सापरा साहब, इसी में एक सवाल मैं एक ये भी एड ऑन करना चाहती हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भयावह दौर था और उसे कहीं ना कहीं भूलना नहीं चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसे याद रखना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह मानी जानी चाहिए? इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो राजनीतिक बातें हैं वो ठीक है, इतिहास है और इतिहास गवाह है और वो सच्ची बातें हैं, झूठी बातें नहीं है, परंतु वो निशाना मारने में कहीं नहीं चूकते, क्योंकि कांग्रेस पे इससे बड़ा निशाना नहीं है। मतलब इसी इमरजेंसी के बाद जो 1977 में जो इंदिरा गांधी जी हारी, मतलब सारे के सारे इतनी बड़ी मेजोरिटी उनको मिली, तो उसका ये सबक था, उसका ये परिणाम था। और अभी भी प्रधानमंत्री जी जहां भी मौका मिलता है, इंदिरा गांधी अपने जो कांग्रेस सरकार है उस पर निशाना मारने में कहीं नहीं चूकते, ये उनमें खासियत है, उनकी याददाश्त है और वो भूलते नहीं है, बढ़िया वक्ता है। और मन की बात को वो इस तरह से परिभाषित करते हैं, बिल्कुल लोगों के मन में घुस जाते हैं वो, तो ये भी सच्चाई है। अब भाटिया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज प्रॉब्लम छोटी थोड़ा है, आज बेरोजगारी आप देखो कैसी है, चलिए ठीक है सर, कितनी महंगाई है वो देखो आप, ये चीजें भी समय कम होनी चाहिए, इसलिए रोक रही हूं, टच होने चाहिए, आज समय कम मिला लेकिन चर्चा में आप लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाटिया साहब आपका भी, सापरा साहब आपका भी और चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।